किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएल कंपनी के अपाचे इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, इसके कंटेंट से लेकर कीमत और डोज तक, तो कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, अपाचे जो इंसेक्टिसाइड आता है यूपीएल कंपनी का, इसके अंदर हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। पहला होता है इसके अंदर फिप्रोनिल, जो हमें 15% देखने को मिलता है, प्लस इसके साथ इसमें दूसरा जो टेक्निकल होता है वो होता है फ्लोनिकामिड, जो हमें 15% देखने को मिलता है। तो ये दो जो टेक्निकल ये देखने को मिल जाते हैं। देखिए, फिप्रोनिल जो होता है ये क्या, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, बहुत सारे कीटों को कंट्रोल करता है और ये सिस्टमिक तरीके से काम करता है, फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी हमारी फसलों के अंदर डालता है। तो देखिए, फिप्रोनिल हमारी फसलों के अंदर एक तो थ्रिप्स पे अच्छा काम करता है, उसके साथ साथ जो भी चबाने वाले कीट हैं उन पर अच्छा काम करता है। चबाने वाले कीटों की यदि हम बात करें तो जैसे कि हमारे फसलों के अंदर बॉल वर्म की समस्या देखने को मिलती है, बॉल वर्म को ख़त्म करता है, डीबीएम डायमंड बैक मॉथ जो इल्ली होती है उसको कंट्रोल करता है, फल छेदक को कंट्रोल करता है, तना छेदक को कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर, उसके साथ साथ जो अन्य इल्लियाँ हैं उनको भी कंट्रोल करता है, रेड बीटल को कंट्रोल करता है, लीफ फोल्डर को कंट्रोल करता है, लीफ माइनर को कंट्रोल करता है। तो इन सभी कीटों को कंट्रोल करने का काम करता है जो इसके अंदर फिप्रोनिल होता है। दूसरा इसके अंदर होता है फ्लोनिकामिड, जो हमें 15% देखने को मिलता है। तो ये जो टेक्निकल होता है ये हमारी फसलों के अंदर जो सकिंग पेस्ट है उन पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल देता है। सकिंग पेस्ट में जैसे कि थ्रिप्स पे अच्छा काम करता है, जेसिड्स पे अच्छा काम करता है, एफिड्स पे अच्छा काम करता है, वाइट फ्लाई के लिए आप इसको दे सकते हैं, वाइट फ्लाई को अच्छे से कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ लीफ हॉपर को कंट्रोल करता है, प्लांट हॉपर को कंट्रोल करता है, तो इन सभी कीटों को ये कंट्रोल करता है। तो ये इस तरीके से सकिंग पेस्ट और चबाने वाले जो पेस्ट होते हैं, कीट होते हैं, उनको दोनों को ही कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर। ये सिस्टमिक होता है, जैसे हम इसका स्प्रे करते हैं अपाचे इंसेक्टिसाइड का, तो ये प्लांट के सिस्टम में चला जाता है। और देखिए, इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है, यानी कि स्प्रे के बाद ये जो दवाई है पत्तियों के आर पार हो जाती है। जैसे हमने ऊपर स्प्रे किया तो ऊपर से निकल कर ये नीचे आ जाती है पत्तियों के, जिससे जो लीफ माइनर होता है उस पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट कंट्रोल ये देती है। तो इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होने के कारण जो कीट है वो कहीं भी छिपे हों उनको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है हमारी फसलों के अंदर, जो मैंने कीट बताए उनको। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए, इसकी जो डोज हमें देनी होती है पर एकड़ 160 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसकी डोज देनी होती है, यानी कि 160 ग्राम इसकी दवा को 200 लीटर पानी में मिलाकर आप एक एकड़ की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके रैनफासनेस रेट की बात करें तो स्प्रे के बाद लगभग 2.5 से 3 घंटे तक बारिश नहीं होती है, तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें अपनी फसलों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। देखिए, इसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक होती है, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये हमारी फसलों पर अपना प्रभाव दिखाता है। तो इसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी होती है वो लगभग 15 से 20 दिनों तक की हमें देखने को मिल जाती है। तो बहुत लंबे समय तक ये हमारी फसलों पर काम करता है, जिससे हमें कम स्प्रे देने पड़ते हैं, यानी कि हमें जल्दी स्प्रे देने की आवश्यकता अपनी फसलों के अंदर नहीं पड़ती है। और देखिए, यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर होता है, महंगा होता है। तो इसके जो एक एकड़ का खर्च आता है वो लगभग हमें 950 से 1000 रुपये की रेंज में पड़ता है, यानी कि 160 ग्राम इसकी जो पैकिंग है उसका प्राइस आपको 950 से 1000 रुपये की रेंज में पड़ेगा। प्राइस अप डाउन जरूर हो सकते हैं, स्टेट वाइज भी चेंज हो सकते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस बिल्कुल ना लें। तो अप्रोक्स के आइडिया के तौर पर मैंने आपको बताया कि लगभग इतने का आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की ये जानकारी है अपाचे इंसेक्टिसाइड पे जो यूपीएल कंपनी का है, तो जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।